अनूठी बात है, जहां सभी देवताओं के गले में गुलाब, कमल आदि फूलों के हार लहराते हैं, वहीं भगवान शंकर ने कैसा हार चुना? रूंड मुंड खपरों कपालों का हार, बहुमूल्य मोती या खुशबूदार फूलों की माला नहीं, बल्कि मरघट में रूलती पूलती नर खोपड़ियों को पिरोकर अपना हार बनाया। यही तो विचित्रता है भगवान शिव के श्रृंगार की। जनश्रुति है कि एक बार देवी पार्वती ने नारद जी की प्रेरणा पाकर शिव शंकर से मुंड माला का रहस्य पूछा। भगवान शिव बोले, देवी ये तुम्हारे ही कपाल हैं, तुम्हारे 108 जन्म हो चुके हैं, हर कपाल तुम्हारे एक जन्म का प्रतीक है, जिसे मैंने अपने सूत्र में धारण किया हुआ है। देवी पार्वती पूछती हैं, स्वामी यदि मेरे ये कपाल हैं, खोपड़ियां हैं, तो आपके कपाल कहाँ हैं? भगवान शिव इसका उत्तर देते हैं, देवी तुम जन्म मृत्यु या आवागमन के चक्र में अभी भी बंधी हुई हो, लेकिन मैं इस काल चक्र से पूरी तरह आजाद यानी अविनाशी हूँ। भगवान शंकर और देवी पार्वती के बीच हुई यह बातचीत मुंड माला के रहस्य का उद्घाटन करती है। यह माला केवल देवी पार्वती के पूर्व जन्मों की श्रृंखला नहीं है, यह हर जीवन के आवागमन चक्र को दर्शाती है। माला का धागा वह अविनाशी चेतना है, जो जन्म जन्मांतर जीवात्मा के अस्तित्व में समाई रहती है। उसमें एक तार प्रवाहित रहती है। इस धागे में गुंथे हुए मुंड या खोपड़ियां जीवात्मा के उन जन्मों के प्रतीक हैं, जिनमें जीवन कुछ काल के लिए रहा पर फिर चिता की लपटों में नष्ट हो गया। इसलिए ये मुंड हमारे जीवन की क्षण भिंगुरता, उसके मरणशील स्वभाव को दर्शाते हैं। जैसे कि शेक्सपियर ने अपने ग्रंथ हैमलेट में एक व्यक्ति के सामने उसके पुराने मित्र की खोपड़ी रखवाई, फिर उससे कहलाया है, अलास पुअर योरिक, आई न्यू हिम, अ फेलो ऑफ इनफाइनाइट जेस्ट। अर्थात उफ बेचारा योरिक, मैं इसे जानता था, यह शख्स जिसमें जिंदा दिली नाचती थी, लेकिन आज। इसी तरह पात्र हैमलेट एक झूलती खोपड़ी को देखकर कहता, अहो यह वही चेहरा लटका हुआ है, जिसे मैंने न जाने कितनी बार चूमा था। मतलब यह कि साहित्यकार भी नरमुंड या खोपड़ी को क्षण भंगुरता के सूचक चिन्ह की तरह लिया करते हैं। एक और रोचक कथा है, योरुबा देश में प्रचलित है। एक प्रांतवासी को अपनी राह के बीच खड़े ऊंचे खंभे पर एक खोपड़ी टिकी हुई दिखाई दी। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि अचानक वह खोपड़ी बोलने लगी। राहगीर बिना देरी के राजा के पास पहुंचा और उसे इस अद्भुत बोलती खोपड़ी के बारे में बताया। राजा उत्सुकता से दौड़ता हुआ उसी जगह पर पहुंचा। राहगीर ने खोपड़ी से बोलने का आग्रह किया, पर अब वह मौन रही। राजा क्रोधित हुआ। कुछ समय बाद सड़क के उस खंभे पर उस राहगीर की खोपड़ी लटकी हुई थी, अर्थात जैसी आज मैं वैसा कल तू भी। इन सभी प्रसंगों में नरमुंड हमें यही ज्वलंत प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए इन नर खोपड़ियों का हार पहनकर भगवान शिव शंकर मानो जागृति का बिगुल बजा रहे हैं, जीवन की नश्वरता के प्रति हमें सतर्क कर रहे हैं, साथ ही अविनाशी तत्व का वर्ण करने की हमें प्रेरणा दे रहे हैं। आप देखिए, खप्परधारी शिव के खपरों की गिनती 108 पर आकर रुक गई, 109 नहीं हुई। इसका मतलब यही है कि सतर्क होते ही देवी पार्वती ब्रह्म ज्ञान द्वारा उस अविनाशी तत्व में स्थित हुई। उन्होंने अपनी जन्म मृत्यु की श्रृंखला का अंत किया और अब यही चुनौती हर जीव के आंगन में खड़ी है। आशा करता है मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे अगले वीडियोस को प्राप्त करने के लिए अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।